नमस्कार, प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति मामले से संबंधित है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। 23 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति देकर केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग व देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक करने के साथ ही कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता से पहले सिंगापुर संसद भवन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। चलते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के बाद अब दिल्ली में संभावित आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली स्थित अपने घर पर मुलाकात की। हालांकि आप सूत्रों की माने तो गठबंधन का मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निर्भर करता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में सरोजिनी नायडू गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों छात्राओं ने बुधवार को कक्षाओं में तोड़फोड़ कर कक्षा में देर से आने पर उन्हें दी गई कठोर सजा का विरोध किया। छात्राओं का दावा है कि उन्हें मामूली सी गलतियों के सजा पर लॉन की घास काटने व परिसर की सफाई करने के लिए कहा गया। वहीं एक कर्मचारी पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में एक नामांकन पत्र की रूपरेखा के केंद्र में निर्देश दिए जाने की मांग की है। वह इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण देने वाली भारतीय कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दें और नया लाइसेंस ना दें। नोएडा निवासी अशोक कुमार शर्मा सहित 11 लोगों द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गठबंधनों से बंधा हुआ है। कोई भी सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून का गंभीर उल्लंघन कर सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने करोड़ों रुपए के कथित पंजाब खाद्यान्न, परिवहन और श्रम ढुलाई घोटाले में बुधवार देर रात लुधियाना जिले से एक कमीशन एजेंट राजदीप सिंह नागरा को उनके आवास स्थान और आरती की दुकान पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। इस मामले में ईडी द्वारा यह दूसरी गिरफ्तारी है। केंद्रीय एजेंसी ने 1 अगस्त को इस मामले में पूर्व कांग्रेसी मंत्री भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में है। चलते हैं अगली खबर की ओर। शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों के आवंटन को लेकर विवाद के चलते सेंट स्टीफंस कॉलेज ने बुधवार को हाई कोर्ट में कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा पूर्व दृष्टि से असंवैधानिक है। कॉलेज की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रोमी चाको ने बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में दावा किया कि आवंटन अनुमत प्रवेश सीमा से अधिक है और कहा कि इसे अब तक बर्दाश्त किया गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने आज राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत रणनीतिक नेतृत्व और सार्वजनिक नीति में एक कार्यकारी MBA कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यह कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलेगा, जिसमें व्याख्यान आधारित पाठ्यक्रम व थीसिस के साथ व्यवहारिक मॉड्यूल शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य क्षेत्रों से 120 सदस्य शामिल होंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 11 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आगामी दिनों में बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। इस समय हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे सहित 68 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप और 3 पुल भी क्षतिग्रस्त हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के एक दिन बाद ही एक विधायक और एक पूर्व मंत्री ने पार्टी छोड़ दी, तो वहीं एक मंत्री ने अपने भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है। रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दिया और कहा कि वह नई दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी के साथ।